आरपी भारत केवल खबरें और कुछ। नमस्कार, मैं भंजी, आरपी भारत में आपका स्वागत करती हूँ। आइए नजर आते हैं आज की किसी खास खबर पर। वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन के विधानसभा समिति के सभापति सविता महतो, पोटका विधायक संजीव सरदार एवं मांडर विधायक बंधु तिर्के, सिसई विधायक जग्गा होरो पहुंचे तोरामडी और जादूगोड़ा, जहां तोरामडी और जादूगोड़ा के ग्रामीणों से मिले, उनके समस्या को सुना और जाना। वहीं संबंध में विधायक संजीव सरदार और बंधु तिर्की ने कहा कि वन पर्यावरण व जलवायु परिवर्तन से जो भी संबंधित विषय हैं उसको हम लोग देख कर निरीक्षण कर रखे हैं। वहीं जादूगोड़ा और तोरामडी टेलिंग पॉइंट को देखा गया, हम लोगों को लोगों के माध्यम से शिकायत मिली थी कि टेलिंग पॉइंट के यूरेनियम के कचड़े पानी के रिसाव से कई पंचायत के लोग प्रभावित हो रहे हैं, आज देखा गया और पाया गया। वहीं 7 दिनों के अंदर पदाधिकारियों को रिपोर्ट देने को कहा गया, उसके बाद कार्यवाही की जाएगी। जमशेदपुर से शिवशंकर साहू की रिपोर्ट। आज झारखंड विधानसभा के समिति वन पर्यावरण एवं जलवायु समिति द्वारा आज जिले में बैठक करके उसके बाद क्षेत्र में जो भी पोल्यूशन जलवायु और पर्यावरण से संबंधित है उस चीज़ को आज निरीक्षण किया जा रहा, और उस इसमें तोरामडी टेलिंग पॉइंट और जादूगोड़ा टेलिंग पॉइंट के बारे में इससे पहले ग्रामीण ने कोई एक शिकायत किया था। इसमें जो भी कंपनी द्वारा वेस्ट जो डस्ट होता है पानी के माध्यम में ये टेलिंग पॉइंट में रखा जाता है, उसके बाद रखने के बाद जो अगल बगल 3-4 पंचायत पड़ता है उसमें रिसर्व होता है, रिसर्व होने के कारण जलवायु दूषित हो रहा, पॉल्यूशन हो रहा, जिसके कारण 3 पंचायत में लगभग 150 लोग विकलांग हुए हैं, घर धस गया है। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, UCI के द्वारा जो यहाँ पर आपका जो एक्ट्रेस जो डस्ट का डस्ट का गंदा करने का जो है ना डंपिंग कर रहा है, इससे तकरीबन 1000 परिवार यहाँ पर उसे नुकसान हो रहा है। और इस तरह का जो यार्ड में प्रदूषण यहाँ इतना ज़बरदस्त तरीके से फैल रहा है कि कितने लोग कुपोषण का शिकार भी हो गए हैं, इसी के चलते विकलांग भी हो रहे हैं, बच्चे भी विकलांग पैदा हो जा रहे हैं। यहाँ पर लोगों का जो सब्जी को धोता है पानी से, उसको पकाने के बाद काला हो जाता है, चावल पकाता है काला हो जाता है, ये सारी चीज़ें हैं और ये राज के लिए बहुत बड़ा खतरनाक संकेत है। इस पर निश्चित रूप से हमारी समिति इस पर पूरा रिपोर्ट करेगी।